तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का परिसर प्रातः से ही पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग गया। शिरावक सफ़ेद कुर्ता पायजामे में तो शिराविकाएं पीले और केसरिया वस्त्र पहने हुए ऐसे नजर आ रहे थे जैसे मानो सभी अध्यात्म की परिभाषा गढ़ रहे हों। टीएमयू में सुबह लगभग 8 बजे श्री जी को रथ में विराजमान करके रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। क्षुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज, कुलाधिपति सुरेश जैन, फर्स्ट लेडी श्रीमती वीना जैन, गुरु वाइस चेयरमैन मनीष जैन और धर्मपत्नी श्रीमती ऋचा जैन और उनके सुपुत्र अक्षत जैन के साथ साथ जैन फैकल्टीज, सैकड़ों श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति में श्री जी रथ पर सवार हुए। कुलाधिपति और गुरु वाइस चेयरमैन ने श्री जी के रथ को खींच कर पुण्य कमाया। इसके बाद सभी श्रावकों को बारी बारी से रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिनालय के रथ पर श्री जी के अलावा कुलाधिपति के सुपौत्र अक्षत जैन, सौधर्म इंद्र के रूप में पराग जैन, कुबेर के रूप में इंद्र कुमार जैन, सारथी के रूप में डॉक्टर अश्वनी कमल जैन, मितांश जैन और मानस जैन इंद्रों के रूप में सवार हुए। रथ यात्रा प्रारंभ होते ही माहौल पूरी तरह भक्तिमय हो गया। रथ यात्रा में सबसे आगे जैन ध्वज चल रहा था और उसी के पीछे भजन गायक उनका साथ दे रहे थे। इसके पीछे चल रहे डांडिया लावड़ी, उन्हीं के साथ शिराविकाएं मंगल कलश लिए रथ यात्रा को और भी शोभनीय बना रहे थे। मंगल कलश के लिए 1.5 दर्जन शिराविकाएं रथ के साथ साथ चल रही थीं। दिव्य घोष की मौजूदगी से रथ यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई। जिनाले पहुंचने के बाद सौधर्म इंद्र ने श्री जी को अपने सर पर रखकर रिद्धि सिद्धि भवन में पंडुक शिला पर विराजमान किया। प्रथम शांति धारा का सौभाग्य महावीर जी से आए श्री इंद्रेश कुमार जैन ने 57,000 की बोली लेकर प्राप्त किया। द्वितीय शांति धारा का सौभाग्य अमन जैन व नमन जैन ने प्राप्त किया। इस मौके पर टीएमयू से एमबीए पास आउट विशाल जैन की सुरचित पुस्तक टीएमयू वाले बाबा का विमोचन समर्पण सागर महाराज जी ने किया। तो वहीं अपूर्वा जैन बीटेक, पारस जैन बीबीए, विद्या जैन बीबीए, डॉक्टर प्रतीक जैन एमडीएस और श्रीमती नीलम जैन ने क्षमावाणी पर अपने विचार व्यक्त किए और बताया कि क्षमा शास्त्रों में सर्वोपरि है। मुख्य अतिथि रतन सिंह जैन न्यायाधीश मुरादाबाद बोले कि अंग्रेजों के ज़माने में अगर कोई जैन व्यक्ति गवाही दे देता था तो वो सर्वोपरि मानी जाती थी। अगर आप जैन सिद्धांतों पर चलेंगे तो आपको कभी भी जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वहीं क्षुल्लक रत्न श्री 105 समर्पण सागर जी महाराज ने परम पूजनीय श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंदी जी मुनिराज के देवलोक गमन पर विनय अंजलि दी और उत्तम क्षमा पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि क्षमा मांगने से कभी कोई इंसान छोटा नहीं होता। टीएमयू जैसा क्षमा वाली पर्व और ऐसी रथ यात्रा बहुत ही दुर्लभता से देखने को मिलती है। इस मौके पर मुरादाबाद, अमरोहा और रामपुर जैन समाज के अध्यक्षगण और साथ ही सभी सम्मानित जैन बंधु मौजूद रहे। साथ ही FOECS के प्राचार्य प्रोफेसर R.K. द्विवेदी, डायरेक्टर एडमिशन SP जैन, निदेशक हॉस्पिटल विपिन जैन, निदेशक TMIMT प्रोफेसर विपिन जैन, प्रोफेसर R.K. जैन, डॉक्टर अर्पित जैन आदि भी मौजूद रहे।
हो भी जाए तो उसके कारण को ढूंढकर, उससे होने वाले अनर्थों के बारे में सोचकर, उसे क्षमा रूपी अमृत मिला के जब हम पश्चाताप के साथ निश्चय करके किए गए पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं, तब सही मायनों में हम हमारे अपराध से मुक्त होते हैं। हरेक से हमें प्रेम करना चाहिए, खास तौर से भरी जिंदगी में। यही विचार शायद सर्वोत्तम है कि इस दुनिया में मेरा कोई बैरी नहीं है, मेरा किसी से भी कोई बैर नहीं है। अगर कोई मेरे प्रति भैरभाव रखता भी है तब भी मैं उसे क्षमा करता हूँ और वह भी मुझे क्षमा करे। मारा तो मैं, मेरा मानना यह है, ना उसे राम ने मारा ना उसे लक्ष्मण ने मारा, रावण को उसके अहंकार ने मारा। अगर रावण को उसका अहंकार हम नहीं होता तो रावण कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। तो ये हमेशा क्षमा का भाव रहना चाहिए। देखिए, खूबसूरत चेहरा भी उबड़ा हो जाता है, ताकत मारे जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदा और पद भी एक दिन खत्म होता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। विनयांजलि देती हूँ और शत शत नमन करती हूँ, हे भगवान, आपने 48 साधुओं के बीच में, एक नहीं 48 निर्यापक साधुओं के बीच में आपने जो संलेखना धारण की, यम संलेखना धारण की थी और आज आप मोक्ष हामी हुए, भगवान इतनी शक्ति मुझे भी देना, इतनी शक्ति मुझे भी देना कि मैं भी अपनी संलग्न पूर्वक वरण कर सकूं। उनकी विनयांजलि में यही भावना व्यक्त रखूंगी, हे भगवान, मेरा भी मरण समाधि पूर्वक हो। अंग्रेजों के जमाने में अगर किसी मामले में गवाही चाहिए होती थी और कोई अगर जहरी व्यक्ति आके गवाही दे दे तो उस गवाही को मान लिया जाता था कि ये जैन है, इसने सच बोला होगा, उसी गवाही के आधार पर उस केस का फैसला कर दिया जाता था। मैं अपने तीर्थंकर महावीर जी विद्यालय परिवार द्वारा पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसी प्रकार से ये धूमधाम से यात्रा निकलती रहे, मैं सोचता हूँ आगे इससे भी अच्छे रूप में निकलेगी। इसलिए सभी छात्र छात्राओं ने साक्षात देवी के द्वारा भगवान को पांडव शिला पर ले जाने का दर्श उपस्थित कर दिया है, इसके लिए उन सभी का बहुत धन्यवाद व साधुवाद कर जाते हैं। लेकिन एक ऐसा अवसर मैं चाहता था कि ऐसा शुभारंभ हो, लोहागढ़ में जब क्षमावाणी इस वर्ष हुई तो भाई अजय ने भी ये बात, जो नगर निगम में कार्यरत है, उन्होंने भी ये बात वहां पर रखी थी। और एक बात मैंने सुरेश जी से, जब वर्षायोग का प्रारंभ हुआ, बेना जी, सुरेश जी, मनीष, ऋचा जब आए तो मैंने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि हजारों बच्चों की इस उपस्थिति में इन बच्चों के संस्कारों को देखकर मैं चाहता था कि हमारे नगरवासी भी इन संस्कारों को अपने बच्चों को दिखाएं। और अवश्य रूप से मैं इस बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, इनके माता पिताओं को विशेष रूप से देना चाहता हूँ कि उन माता पिताओं ने हजारों किलोमीटर दूर इन बच्चों को यहाँ